आज का मुकाबला होने वाला है काफी ज्यादा खूंखार, क्योंकि यहाँ पे दो एल क्लासिको की टीम यहाँ पे आपस में भिड़ती हुई नजर आने वाली है। जहाँ पे एक तरफ मुंबई इंडियंस रहने वाली है तो वहीं पे दूसरी तरफ चेन्नई के सुपर किंग्स रहने वाले हैं। और गाइस दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें ये मैच जीत के जाना चाहेंगी, क्योंकि जो टीम भी ये मुकाबला जीतेगी एक तरीके से समझिए कि आगे की राह हो जाएगी उस टीम के लिए काफी ज्यादा आसान। लेकिन दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला उतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि पांच बार की चैंपियन चेन्नई, पांच बार की चैंपियन मुंबई, और आपस में जितनी बार भी भिड़ते हैं हमेशा से मुकाबले और आईपीएल में काफी बड़ा लुप्त आता हुआ नजर आता है। पिछला मुकाबला मुंबई भले ही जीत के आई थी, एक तरीके से आरसीबी को बुरी तरीके से रौंद के आई थी, लेकिन आज के मुकाबले में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स बराबर प्रॉपर प्लान के साथ आने वाली है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स उन पांच खिलाड़ी जो कि चेन्नई को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हुए नजर आएंगे उनको कैसे रोक सकते हैं, उनको किसी तरीके से रोकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर ये पांच में से कोई दो खिलाड़ी अगर चल जाएंगे तो ये मुकाबला चेन्नई के हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, वीडियो का भी लेकर पूरा इंटरनेट देखना है और चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग प्लेइंग 11 बात करेंगे, उसके बाद सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होने की पूरी तरीके से गुंजाइश रहने वाली है, क्योंकि दीपक चहर और पथी राधा पूरी तरीके फिट हो चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आ चुकी है। तो ऐसे में दीपक चहर की एंट्री होगी और पथी राधा की भी एंट्री होगी, और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देखा जाए तो वही शिवम दुबे का यहाँ पे इंपैक्ट लिया जाएगा, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे शिवम दुबे जाएंगे और यहाँ बेसिकली इसी तरीके की टीम रहने वाली है। मुंबई की टीम भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई भी पूरी तरीके से सेम टू सेम प्लेयर वही टीम लेके चलती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि मुंबई भी पूरी तरीके से विनिंग स्ट्रीक पे चलती हुई नजर आ रही है। तो इनको ज्यादा किसी चीज की जरूरत है नहीं, सेम टू सेम वही डिक्टो टीम ये उतारते हुए नजर आएंगे। और गाइस अगर उसके साथ अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो वानखेड़े में मुकाबला है तो मुंबई को काफी ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज रहता हुआ नजर आएगा। तो गाइस जो सबसे पहला खिलाड़ी जो कि सबसे ज्यादा ट्रबल और सबसे ज्यादा चेन्नई को डिस्टर्ब करता हुआ नजर आएगा वो कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा है। अब आपको ही पता है कि रोहित शर्मा अभी तक पहले के आईपीएल में अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट डेंजरस प्लेयर में हम लोग रोहित शर्मा का नहीं डालते, लेकिन अगर अभी रिसेंट टाइम की अगर बात कर लिया जाए तो रोहित शर्मा एक अलग ही वे में चलते हुए नजर आ रहे हैं, एक अलग ही मैच में चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात कर लिया जाए तो इनका जो जोन है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चलता हुआ चला जा रहा है। और अगर इस तरीके से अगर बात कर लिया जाए तो रोहित शर्मा को वानखेड़े पे रोकना भी इस टाइम पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग काफी अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसे में इनको रोकना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये काम दीपक चहर और मिस्टर फिजुर रहमान ये दो खिलाड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं, तभी यहाँ पे टीम को ज्यादा फायदा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे आ जाएगा, क्योंकि अब लाइव होने वाले हैं, आज तो गिव अवेज होने वाले हैं। मैंने पहले ही कह दिया था आज गिव अवेज का डेज है, आज से लाइव रेगुलर होंगे, सब चीजें आपको रेगुलर वे में देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम एक डेस्टिनेशन आपकी होनी चाहिए हमारा टेलीग्राम, क्योंकि 10 से ज्यादा एडमिन, दिन भर में बेहतरीन न्यूज, और उसके बाद गिव अवे, उसके साथ बात कर लीजिए हमसे लाइव चैट, आप हमसे लगातार लाइव अपने मुंह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज आप करते हुए नजर आ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, फटाफट से ये चीजें करना स्टार्ट करिए। तो गाइस फाइनली आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्लेयर की बात कर ले ईशान किशन इस टाइम पे काफी बेहतरीन फॉर्म में चलते हुए नजर आ रहे हैं, और बेसिकली वानखेड़े के विकेट पे ये काफी खतरनाक हो भी जाते हैं। और अगर ईशान किशन को आप स्टार्टिंग के 5 ओवर में विकेट अगर आप नहीं चटकाएंगे तो आपके टीम को ये तहस नहस कर देंगे, ये पूरी तरीके से कंफर्म रिपोर्ट है। तो इस तरीके से अगर बात करिए तो इनके कम से कम 2 से 3 ओवर के स्टार्टिंग में ही इनका विकेट चटकाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये काम कौन कर सकता है, ये काम कर सकते हैं मिस्टर फिजुर रहमान अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेस चेंज करते हैं थोड़ा सा स्लोअर डालते हैं, ये काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अगले प्लेयर की बात कर ले सूर्य कुमार यादव, स्काई को भैया रोकना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव अगर फॉर्म में दिखते हुए नजर आ गए तो चेन्नई को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका स्ट्राइक रेट 250-250 का ही चलता हुआ नजर आता है। और अगर ये फॉर्म में रहता है, पिछले मुकाबले में फॉर्म दिखा के आ रहे, तो बेसिकली आपको ही पता है कि फॉर्म काफी ज्यादा बेहतरीन की ऑलरेडी रहेगी ही रहेगी, लेकिन इनको रोका कैसे जा सकता है, इनको रोकने की क्या तरीके है, तो वो मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं। तो रोकने का तरीका है पथी राणा अगर फिट है, आज का मुकाबला खेलना है तो पथी राणा को मिडल ओवर्स में आके इनका विकेट चटकाना पड़ेगा, तभी ज्यादा प्रॉफिट होगा।
अगले प्लेयर की अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या को रोकना यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर बात करें तो अभी इस टाइम पे हार्दिक पांड्या को हम लोग उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन चेन्नई के खिलाफ इनका रिकॉर्ड हमेशा से बेटर रहता है। ये खिलाड़ी हर बार परफॉर्म करता है, हर बार अपना 100% देता है और चेन्नई को हर बार ये परेशान करता है। तो इस तरीके से अगर बात कर लिया जाए तो हार्दिक पांड्या को रोकना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हार्दिक पांड्या रुकेंगे कैसे? ये रुकेंगे जड्डू से। जडेजा हर बार इनको परेशान करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पिन, क्योंकि आपको ही पता है कि हार्दिक पांड्या स्पिन देखते हैं कि साथ ही इनका बल्ला फ्लो में चल जाता है, फ्लो में ये चल जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाते। तो जब आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे तो ऐसे में जडेजा आपके सबसे एक्सपीरियंस वाले बॉलर है, इनको सामने लगाइए, विकेट चटका डालिए। हार्दिक पांड्या को रोकना काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवें खिलाड़ी की बात करें जसप्रीत बुमराह, बुमराह अब तक के पर्पल कैप होल्डर में सेकंड नंबर पे चलते हुए नजर आ रहे हैं 10 विकेट के साथ। यूजी चहल 11 विकेट के साथ टॉप पे है। और अगर बात कर लिया जाए तो जसप्रीत बुमराह इस टाइम पे काफी ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग चल रहे हैं और यहाँ पे चेन्नई को एक चीज समझने की जरूरत रहने वाली है कि स्टार्टिंग में कैसे ना कैसे करके विकेट रोका जाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे। मेनली जो काम रहेगा वो डेथ में करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप विकेट मत चटकाइएगा, मत दीजिएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह आपको भी पता है कि 4 ओवर में एक ऐसा बॉलर है जो कि मैक्सिमम 30 रन ही देगा। तो चेन्नई को इनको मारने की जरूरत नहीं रहने वाली है, बाकी प्लेयर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी जो बॉलर रहेंगे उन पर टूटने की कोशिश करिएगा। जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा साइड लाइन करके ही खेलिएगा, क्योंकि इनको अगर आप यहाँ पे थोड़े से अगर ज्यादा तेज से मारने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता है कि ये फंसा लेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत रहने वाली है। और ये पांचवें खिलाड़ी हैं जो कि डेंजरस साबित होंगे। तो इस तरीके की चीजें थी जो कि सामने निकल के आई थी, 5 डेंजरस प्लेयर जो कि आज निकल के आप सामने आ सकते हैं उनके बारे में बता दिया। तो गाइस फाइनली आप बताइएगा कि किसको कौन रोकेगा, किस तरीके से रोकेगा, अपनी राय जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कमेंट के शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए ज्वाइन करते हैं आपको अगले एपिसोड के साथ।